एक बार बड़ा मुनफरिद ये हमने ये काम किया है और इसमें हमारे शोर साहब ने भी जो हमारी इदारा चलते ही लोगों की मदद के साथ है और ये इंशाल्लाह 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तख्ती की रनवाई हो गई है, यही तख्ती जो है वहाँ आपकी गेट पर लगेगी और 6 महीने इंशाल्लाह ये आपका जो है बच्चे खुद वहाँ पर एक टेंट जो आपका होते हैं उसके हिसाब से खाना भी वो बनाएंगे और ऐसे ऐसे उनके जो होंगे स्नैक्स जो चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो स्नैक आपको कहीं बेकरी में नहीं मिलेंगे, ये इनकी अपनी क्रिएशन होगी तो सीखेंगे भी उसके बाद कैफे में भी सर्व करेंगे और फिर घर जाके अपने घर से वो फिर फूड पांडा और ये तमाम जो सिस्टम है इसके बच्चे हिस्सा बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, बस जो है कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना और ये बताना बच्चों को तुम कुछ भी सोचो तुम वो काम कर सकते हो। जब तुम ये काम ये करोगे तो तुम सीखोगे और तुम्हें पता है कि तुम्हें एक बहुत नायाब किस्म में तुमने कोई केक पीस बनाया है तो ये अगर लोगों को वो पसंद आया तो तुम फिर अपने घरों से बैठ के सब लोग उसको भेज सकते हैं तो आपकी आमदनी भी हो जाएगी, माशरे का सही बन जाओगे तो फ़ायदे ही फायदे हैं। 100% ये सारे यहीं पर मुलाजिम होंगे। अभी भी जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसको हम अपने उसी अपने डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ हमारे यहाँ फैकल्टीज हैं, हर फैकल्टी के अंदर हमारा बच्चा जो जहाँ से निकलता है वो क्योंकि 5 साल गुजार चुका होता है साइकी समझता है बच्चों की तो हम उसको हर हाल में हर फैकल्टी उसके साथ में शामिल करते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता लेकिन सिंध के अंदर ये हुआ है कि सिंध में जो CM ने जो है उसके हमारी मुस्तकिल 5 साल से आपको ग्रांट दी है उन्होंने और हमारे चलाने में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वो उसी दिन सॉल्व करते हैं और तमाम मिनिस्ट्रीज़ को और डिफरेंट एबिलिटी का जो उनका मिनिस्ट्री है उसको इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनका काम सुबह आए तो शाम तक कर देने। कैफे खुद ही KVTC का इनिशिएटिव है, माशाल्लाह सेनेटर साहब हमारे साथ हैं। ये पाकिस्तान की पहली कैफे है विच विल बी रन मैनेज्ड एडमिनिस्ट्रेट बाय डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन और ये माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त स्टेप है टू इंट्रोड्यूस जेन्युइन इंक्लूसिवनेस इन पाकिस्तान फॉर दीज ब्रिलियंट ब्यूटीफुल चिल्ड्रेन। और जनाब ये हमारे लिए हमारे लिए फ़ख्र की बात है स्टेट लाइफ के लिए कि हम KVTC का इसका पार्टनर हैं कि ये जो पहला कदम है पाकिस्तान में पहली दफ़ा इसमें स्टेट लाइफ का नाम KVTC के साथ लिया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। सेंटर साहब का इनिशिएटिव है, KVTC की जो टीम है वो हमारे हीरोज़ हैं और इनकी हम पार्टनर बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं टू स्टार्ट दिस कैफ़े जो इंशाल्लाह आज ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है और बहुत जल्द ये इनॉग्रेट होगी कराची में Phase 4 में एंड इट विल बी ओपन सारी पब्लिक के लिए ओपन होगी और इसको कामयाब बनाने में आप लोगों का बहुत हाथ होगा। तो इल्तिजा आप लोगों से ये होगी कि हमने तो शुरुआत की है, इसको सक्सेस बनाना आपका काम है, सो प्लीज़ कंट्रीब्यूट टू इट एंड बी अ पार्टनर टू इट एज प्राउडली एज वी आर। फाइनेंशियली तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, 6 मिलियन के हमने स्पॉन्सरशिप दी है लेकिन मनी इज़ अ बैक स्टेप। मेन चीज़ ये है कि ये हमारे एक ethos, हमारी जो एथिक्स है, हमारा जो मिशन है स्टेट लाइफ का टू इंश्योर इंक्लूसिवनेस, टू इंश्योर प्रोटेक्शन हर पाकिस्तानी के लिए, हर पाकिस्तान बच्चे के लिए और इस लिहाज से हमें बड़ी खुशी है कि वी आर हियर टुडे विद KVTC। स्टेट लाइफ माशाल्लाह हैज़ बिन डूइंग वेरी वेल। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वाहिद इंश्योरेंस इदारा है जो आगे बढ़ रहा है। पिछले 1.5 साल 2 साल से जब से मैं स्टेट लाइफ में हमने 22 नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे टेक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हम हेल्थ में, लाइफ प्रोटेक्शन में। मकसद ये है कि हर जो भी नीड हो, जो ज़रूरियात हो पाकिस्तानियों के लिए वो हम कंप्लीट कर सकें। माशाल्लाह ये ऐसा सरकारी अदारा है जो कराची से खैबर, गिलगित से ग्वादर तक है और इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को स्टेट लाइफ के थ्रू आमदनी मिलती है। हमारे कमीशन एजेंट्स हों या हमारे स्टाफ या ऑफिसर्स हों सब इसमें शामिल होते हैं और स्टेट लाइफ पहला साल जब मैं यहाँ पे था स्टेट लाइफ के साथ हमारा न्यू बिज़नेस 100% ग्रो किया और पिछले साल 2022 में माशाल्लाह 160% ग्रो किया। हमने 170 अरब से ज़्यादा क्लेम्स पे किए पॉलिसी होल्डर्स को टाइमली तौर पे और 100 पहली दफ़ा स्टेट लाइफ की हिस्ट्री में 100 अरब हमारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए बोनस प्रॉफिट्स के तौर पे एलोकेट किए गए और ये तरक्की है स्टेट लाइफ की, इसी से मुहाफ़िज़ मिलेगा पाकिस्तानियों के लिए और जब एक नेशनल इदारा तरक्की करता है तो इंशाल्लाह पूरी कौम तरक्की करती है। जितने भी रेलवे के पैसेंजर्स होंगे
उनको तहफ़ मिलेगा, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसमें जो भी कोई हादसा हो जाए, किसी को कोई चोट लग जाए तो उसमें स्टेट लाइट पेमेंट करेगा। ये पहले भी रेलवे के पास रह चुका है ये सहूलत। अभी जो माहदा किया है रेलवे ने स्टेट लाइट के साथ, वो ये माहदा किया है कि पहले ये देते थे तकरीबन 5 लाख किसी की वफात हो जाए रेलवे के एक्सीडेंट में। इनने स्टेट लाइट के साथ ये माहदा किया है कि ये इंशाल्लाह आगे दिनों में 25 लाख तक होगा, 25 लाख तक होगा। तो ये हमने सारे बेनिफिट्स बेहतर किए हैं, बढ़ाए हैं, पहली दफ़ा स्टेट लाइट के साथ कर रहे हैं ये, और इंशाल्लाह ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान रेलवेज का। और जब भी हम किसी की मदद कर सकें हमारे पाकिस्तानियों के लिए, इसमें एक फ़ख्र की बात होती है। आज बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम था और पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल है। लोग जो है वो फ्लैग होस्टिंग करके पाकिस्तान का नाम आज़ादी में जो है वो रोशन भी करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। आज कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और स्टेट लाइफ ने कैसा एक कैफ़े बनाया है जो पाकिस्तान का पहला डिफरेंटली एबल बच्चे चलाएँगे और उसका हाई स्टैंडर्ड है, जिसमें कोई भी आके काट सकता है और ये बच्चे अपने घर की खुद की हिफाजत भी करेंगे, अपनी भी और घर की भी। और ये आज इंडिपेंडेंस डे में ये जो लॉन्च है स्टेट लाइफ और KVTC की, मैं समझता हूँ इस तरह की इनिशिएटिव इंडिपेंडेंस डे में होने चाहिए। एक्चुअली देखें, हम तो खादे में अगर हमें मौका मिलेगा तो हम खिदमत के लिए तैयार हैं।